खंडियार जंगल। क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? पता नहीं हानी, बताओ जरा, तुम्हें कुछ फील हो रहा है? हाँ, हम सही रास्ते पे हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है, ऐसा मुझे मारिया के मिलने पे महसूस हुआ था। लेकिन हम तो साइंटिस्ट निक को ढूंढने आए हैं, तो तुम्हें अपनी विच बहनों का मिलने का एहसास क्यों हो रहा है? हो सकता है वो बाकी डू विच भी यहाँ हो या उनमें से एक। हाँ, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि। क्या आप साइंटिस्ट निक हैं? हमें साइंटिस्ट एल ने यहाँ भेजा है आपको ढूंढने। साइंटिस्ट एल को टू वो स्पेसशिप उठा के ले गई। हाँ, हमने उन्हें उस स्पेसशिप से बचा लिया है, अब हम आपको लेने आए हैं। अरे, ये टू हानी की आवाज है। हानी, तुम आ गई मेरी बहन, तुम जिंदा हो, हमें लगा था तुम मर गई। इसी क्या हुआ, ये ऐसी क्यों है? ये घायल और थकी हुई है, तुम सुनाओ, मतलब तुम उस हमले से बच के यहाँ आ गई हो, ये कौन सा वक्त है? और ये आदमी कोई तरह का वैज्ञानिक है, इसने हमारी बहुत मदद करी है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं थी तो इन्हें के दिमाग की वजह से हम अब तक बचे हैं। आयशा ने मुझे सब बता दिया है उस स्पेसशिप के बारे में और तुम सब के बारे में भी। मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। हाँ, हमें आपकी मदद चाहिए, इसीलिए तू मैंने आपको और इन सबको इस समय में लाया, और मेरी बहनों का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ठीक है, तुम यहाँ अंदर गुफा में आ जाओ, अभी काफी जानवरों का निकलने का समय हो गया है, हमें यहाँ छुपना होगा। छुपना क्यों है? क्योंकि हमारी शक्तियाँ नहीं है, इसीलिए जानवर और उस स्पेसशिप से बचने के लिए। लेकिन हमारे पास तो शक्तियाँ हैं ना, डरो मत, अब आप लोग सेफ हो। तुमने तो और मुसीबत मोड़ ली, इस अजीब से जंगल में सारे जानवर मिलके शिकार करते हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? तो ये जानवर शिकार किसका करते हैं? जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने देखा है ये सब जानवर मिलके बाहर से जो उनके जंगल में आता है उसका शिकार करते हैं। अब वो शेर दूसरे जानवरों को लाएगा। कोई बात नहीं, आने दो उन्हें, जब तक वो लोग आएंगे तब तक मैं इन्हें इनकी शक्तियाँ दी देती हूँ, फिर हम सबके पास शक्ति आ जाएगी और हम उनका सामना आसानी से कर लेंगे। देखा, मैंने कहा था ना, अब आधा जंगल जमा हो गया है हमें मारने के लिए। कोई बात नहीं, हम तैयार है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हम इन जानवरों से लड़े क्यों, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, अब घर चलते हैं। आयशा, हिबा, तुम लोग आ गए, क्या तुम दोनों ठीक हो? हम ठीक है, ये साइंटिस्ट निक ने हमारी काफी मदद की, इनकी वजह से ही आज हम जिंदा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहनों की जान बचाई, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं, मैंने इन्हें बस कुछ जानवरों से बचाया और इनकी देखरेख की। जानवर? कैसे जानवर? बस कुछ बंदर, चीता और सांप से, बाकी फिर ये लोग आ गए थे, तब शेर, भालू, गोरिल्ला और लायन भी आ गए थे। भालू, शेर, लायन, गोरिल्ला, अबू भाई, आप लोग तो अच्छे एडवेंचर से आए। आयशा दीदी, आपने और हिबा दीदी ने मिलके गोरिल्ला को कूट कूट के मारे क्या? हाँ, उस्सू भाई, आपने भी शेर को कूट कूट के मारा होगा ना, खुंदेल खुंदेल के मारा होगा। हानी दीदी, आपने तो भालू को पकड़ पकड़ के मारा होगा और लेजर से मारा होगा ना। और अबू भाई, आपने तो लायन को मारा होगा ना,
उठा उठा के पटक दिया होगा। नहीं एमए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने वहाँ पर इन लोगों को ढूंढा, इन्हें इनकी शक्तियाँ दी। एक शेर आया था, उसे हमने हटा दिया मार के, और उसके बाद हम लोग वापस घर पे आ गए, इनकी शक्ति दे दी। बस इतना सा, आप लोग लड़े क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग वहाँ उनसे लड़ने नहीं गए थे, हम वहाँ इन्हें ढूंढने के लिए गए थे। ये हमें मिल गए तो हम आ गए। वो जानवर है, हम थोड़ी जानवर है जो बिना अकल के उनसे लड़ते रहेंगे। डरपोक कहेंगे। एमए, इसमें डरने की कोई बात नहीं थी, बस हम वहाँ अपना टाइम और शक्ति क्यों वेस्ट करें? जरा समझ से काम लो। और बाकी आप सब लोग भी चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, कल हम सब बैठ के सोचेंगे कि उस साइंटिस्ट बोधी से कैसे लड़ना है। वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए।